लंदन 16 मार्च 1904। यहाँ एक जाने माने परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया। नाम था उसका डोरोथी लुइस एडी। डोरोथी बचपन से ही थोड़ी नटखट और शरारती थी। एक बार जब वह 3 वर्ष की थी, घर की सीढ़ियों से उसका पांव फिसला और काफी ऊंचाई से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी। दुर्योग कुछ ऐसा हुआ कि जिन डॉक्टर को बुलाया गया था वो थोड़ी देर से आए। आने के बाद उन्होंने डोरोथी का निस्तेज शरीर देखा, नब्ज की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार को रोता हुआ छोड़कर डॉक्टर थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर गए और दूसरे कमरे से नर्स को कुछ आवश्यक निर्देश देने के बाद वापस उस कमरे में लौटे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डोरोथी ने आंखें खोल दी और अपने परिवार के बीच में खुद को पाकर मुस्कुरा रही थी। वह पूरी तरह चैतन्य और स्वस्थ थी। डॉक्टर ने 2 बार जांच की और आश्चर्यचकित होकर वापस लौट गए। लेकिन इस हादसे के बाद से डोरोथी के स्वभाव में विचित्र तरह के परिवर्तन दिखाई देने लगे। वह अपने घर में अक्सर कुर्सी, मेज या किसी भी फर्नीचर के पीछे छिपी रहती थी। अपने माता पिता से अपने घर जाने की जिद करती थी। बेचारे माता पिता यह समझ नहीं पाते थे कि डोरोथी किस घर जाने की जिद कर रही है। उसके अंदर फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम के लक्षण उभरने लगे थे। यह एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट के अंदर एक ऐसी भाषा बोलने और उच्चारण करने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं जो उसकी मदर टंग नहीं होती है बल्कि कोई फॉरेन लैंग्वेज होती है। इन सब के चलते डोरोथी को अपने प्रारंभिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी यह बीमारी और गंभीर होने लगी। एक बार जब वो अपने परिवार के साथ ब्रिटिश म्यूजियम गई तब वह प्राचीन इजिप्ट की मूर्तियों को देखकर उन्हें चूमने लगी और एक मम्मी को देखकर उसे पकड़कर रोने लगी। जब उसने एक मंदिर की तस्वीर देखी तो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि यही मेरा घर है, यहाँ के पौधे कहाँ गए, वो पेड़ पौधे जो सालों पहले जमीन में दफन हो गए। इस म्यूजियम की घटना के बाद सबको अंदाजा हो गया कि डोरोथी को जिस देश से लगाव था वो कोई और नहीं बल्कि इजिप्ट था। वह मंदिर सेती प्रथम का था जो कि एक महान फैरो शासक थे। डोरोथी अब इजिप्ट की सभ्यता, वहाँ की भाषा सीखने लगी और काफी तेज रफ्तार से उसने यह सब सीख लिया। उसके टीचर ने कहा इसको बस रिविजन की जरूरत थी, इसको नॉलेज तो पहले से ही बहुत थी। 1931 में डोरोथी इजिप्ट चली आई। यहाँ उन्होंने स्थानीय निवासी इमाम अब्दुल मैगुइड से विवाह कर लिया। इमाम से वह लंदन में मिल चुकी थी जब वो इजिप्शियन पब्लिक रिलेशंस मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखती थी और कार्टून बनाती थी। उसने अपने एकमात्र पुत्र का नाम सेती रखा था और अपना नाम उसने डोरोथी से बदलकर ओम सेती रख लिया था। प्राचीन इजिप्ट की भाषा में इसका मतलब होता है सेती की माँ। ओम सेती यानी डोरोथी की बीमारी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी जिसके कारण उसके विवाहित जीवन में कई कठिनाइयां आने लगी। देखा गया कि डोरोथी नींद में चला करती थी, बेवजह गुस्सा किया करती थी। उसने यह भी बताया उसको एक परछाई नजर आती है जो कि इजिप्ट के एक देवता होरा की थी। तभी उसको एहसास हुआ कि डोरोथी प्राचीन इजिप्ट की एक युवती का पुनर्जन्म है। प्राचीन इजिप्ट में एक युवा स्त्री थी जिसका नाम बैंट रेचिप था। जब वो केवल 3 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। कम एज की बेटी का पालन पोषण न कर पाने के कारण उसके पिता ने उसको मंदिर में छोड़ दिया था। मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों द्वारा उसका पालन पोषण किया जाने लगा। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने ठान लिया कि वो आमरण शादी नहीं करेगी और सदा कुंवारी ही रहेगी। मंदिर में होने वाले नाटकों में बैंट रेसिप अभिनय क्या करती थी। एक बार जब सेती प्रथम नाटक देखने आया तो बैंट रेसिप के अभिनय से मंत्रमुग्ध हो गया और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब यह बात मंदिर को पता चली वहाँ के लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बैंट रेसिप को यह कह दिया कि सेती प्रथम की मृत्यु हो गई है और यह सुनते ही बैंट रेसिप ने आत्महत्या कर ली। आखिर 1935 में डोरोथी ने अपने बेटे सेती के साथ अपने पति को छोड़ के गीजा के पिरामिड के पास रहने के लिए आ गई। वहाँ उसकी मुलाकात एक आर्कियोलॉजिस्ट सलीम हसन से हुई जिसने उसे अद्भुत ज्ञान और इजिप्ट के बारे में जानने की जिज्ञासा को देखकर काम दे दिया और डोरोथी ने काफी मेहनत की। उसके काम की वजह से सलीम हसन को काफी ख्याति प्राप्त हुई और सलीम हसन द्वारा लिखित एक किताब गीजा की खुदाई में उन्होंने डोरोथी का जिक्र भी किया है। इन सब के बावजूद भी डोरोथी की बीमारी बढ़ती ही गई और अंत में वो अपनी बीमारी से हार गई और उनका देहांत हो गया। दोस्तों, पुनर्जन्म के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी ही अमेजिंग मिस्ट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।